ओ भाई मंकी काय मंकी काय उबे यार कितनी बार साल में देखो भाई जी मंकी देखा अंशी देखो बैठा हुआ है ऐसा लग रहा बात कर रहे हो भाई कितनी बार आ गया ये तो क्या हो गया कमाल का सीन तो मम्मी का बर्थडे है हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे खुद ही मेरे को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो थैंक यू बोलो ना थैंक यू है हाँ मैं ले आऊंगा पक्का पक्का तुम्हारे को भी थैंक यू बोलने की जरूरत है बिल्कुल नहीं जो हैप्पी बर्थडे बोलेगा उसको बोलना ही पड़ेगा हम बेसिकली अप्रैल में आते हैं ना एक बार तो पहले ही मनाया था मैंने वीडियो भी डाला था आज फिर हो जाएगा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नए दिन की शुरुआत हो चुकी है बड़ी तेज़ धूप निकली हुई है कल जैसे था खतरनाक मौसम वैसा नहीं है एकदम ब्राइट सनी डे है आज वही आज मम्मी का बर्थडे है 14 अप्रैल शाम को मनाएंगे आज हमारा प्रोग्राम है लाल टिब्बे जाने का जो कि मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है वीडियो में बने रहो बड़ा मज़ा आने वाला है अभी हम सब नाश्ता कर रहे हैं फिर होंगे तैयार फिर जाएंगे लाल टिब्बा दिखाएंगे आपको हम खुद भी घूमेंगे आपको भी घुमाएंगे इस वीडियो के जरिए तो बने रहो वीडियो में अभी नाश्ता करते हैं दिखाता हूँ अंशी अंशी आप क्या खाओगे बॉइल्ड एग बॉइल्ड एग नहीं आलू का पराठा बनवाया है तो एक बॉइल्ड एग भी बनवा देता हूँ बोल दूँ A few moments later. आजो भाई आजो तो भाई सब हो गए हैं तैयार और करीब 12:30 का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं लाल टिब्बे की तरफ हाँ भाई हो गए तैयार हाँ हाँ बेटा आपको बताए थोड़ी देर बाद स्कूल जाए थे मैं स्कूल में गिर गई थी आप स्कूल स्कूल में गिर गए थे हवा लाइन बना के स्कूल अपनी क्लास में जाए थे सीधा गिर ही गई लगी तो नहीं कहीं यहाँ पे लगी है डुई पे ओह डुई पे लगी है रोए थे फिर ये भी पापा मम्मी जा रहे हाँ भाई पीके मैदान हाउ आर यू अपन हमेशा फाइन रहता है यार आर यू ओके ओके मम्मी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन हैप्पी बर्थडे दादी ओए होए थैंक यू अंशी ने नहीं कहा बस अंशी अंशी बोलो हैप्पी बर्थडे दादी अंशी अच्छी बच्ची नहीं है ये शर्मा रहे हैं बताओ नहीं इसमें शर्माने की क्या बात है है ना भाई शर्माने की क्या बात है दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो हर एक लम्हे से तुम मिलो भूले अपनी बाहें हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो हम पीछे नहीं रहते हम आगे रहते हैं आधी बाजू की शर्ट में घूमा A few moments later तो भाई अभी यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई है प्रॉब्लम क्या हो गई है टैक्सी नहीं मिली हमें लाल टिब्बा के लिए बोल रहे हैं बहुत तगड़ा जाम लगा है वहाँ पे बहुत बुरा हाल है कह रहे कैंपटी फॉल भी जाम है और लाल टिब्बा जाने के लिए भी बहुत जाम है तो अब सब परेशान हो गए हैं तो अब ये प्रोग्राम बनना है कि कंपनी बाग जाएंगे या फिर कैमल बैग तो सब कन्फ्यूज़ हैं कोई कह रहा है कंपनी बाग चले कोई कह रहा है कैमल बैग चले सबकी अपनी अपनी राय है ग्रुप बड़ा है तो भाई राय भी नहीं बन पा रही है तो अभी तो माल रोड भी फंसे हुए हैं बट लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली कंपनी बाग ही जाएंगे तो भाई आज हम लेट हो गए लग रहा है ऐसे लाल टिब्बे के लिए कह रहा है वो बंदा कि अगर आपको लाल टिब्बे जाना है तो आप आओ जल्दी सुबह 9-10 बजे ताकि आप जल्दी ऊपर पहुँच जाओ वो चार दुकान लाल टिब्बे बहुत रश है क्योंकि वहाँ रोड थोड़ी नैरो होती है इस वजह से जाम है यार अब देखते हैं क्या होता है अभी फिलहाल माल रोड पे ही है जैसा आगे होगा बना दूंगा वीडियो चलो फिर आओ क्यों लटक गए हो आओ कोई बात नहीं आ जाओ आपको कहाँ जाना है टिकट ले कंडक्टर है लगता है सबसे पीछे यही खड़ा मसूरी प्लाजा
सिर्फ दो बंदे रह गए कैमल बैग वाले, बाकी सब कंपनी बैग वाले हो गए। चलो यार चलो, गोलगप्पे खाने रुकते हैं सारे लोग। मैं पहले, आपका टर्न है। अरे वो वैसे ही जगह थोड़ी ना है, वो देखो बन रहे गोलगप्पे ऐसे। ये लो ये ले ले भैया, आटे के आ गए तुम्हारे। हमें देना एक पीस देना है भैया, सूजी के भी देना एक मिलेगा। अरे मार के लंची नहीं का सिलेंडर से नहीं ना, बस सब आ गई है। अब पानी अलग से पीके देखो, गड़बड़ है। और मैं खा भी रहे हूँ। कैसे रहना तुम्हारा? हेलो, जितने मर्जी खा रहे हैं, कंपनी मार्क का टिप है। अरुण सर के साथ ये भी कहीं रख लो, बहुत गर्म है ये। ये रख के साथ भानु तो खा ही नहीं पा रही। अगली बार से हम आ रहे हैं। हाँ भाई, फिर से चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे बहु हवाले। दूर दूर लोग बाग भी लो दूर वादिया। क्या हवा चल रही है मस्त। भैया चलो भैया, क्या सवारी क्या है? गांधी द्वार रुक जा, ओ भाई राम मत दियो, भैया ले जा 50 रुपए दे के। सीधा देहरादून, ये देहरादून सीधा खाई से देहरादून। तो भाई अभी क्या सीन है, हमने पढ़ लिया रिक्शा, लेकिन कंपनी बाग नहीं जा रहे, आगे तक जा रहे हैं गांधी द्वार तक। पता नहीं यार क्या हो गया, वीकेंड है या क्या है, छुट्टियां हैं, ये लोग कह रहे हैं बहुत जाम है। कंपनी बाग है वहाँ नहीं जा रहे, कैम्प्टी फॉल नहीं जा रहे, लाल टिब्बा नहीं जा रहे, पता नहीं यार क्या ही हो गया। क्या कर सकते हैं, जो है उसी में खुश रहना पड़ेगा आज। कैसा मौसम हो गया यार भैया, कंपनी बाग क्यों नहीं जा रहे यार? हैं? कंपनी बाग जा रहे हो? जा रहे हो भैया, जा रहे हो कंपनी बाग? क्या रेट है, क्या रेट है? 600 रुपए। लेकिन हम, हमें तो 6 रिक्शा चाहिए। अरे इधर 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 रोक दो, सुन ये कह रहे कंपनी बाग जा रहे हैं भाई, ये कह रहे कंपनी बाग जाएंगे भैया, कंपनी बाग चलोगे? नहीं, तू जा दो कंपनी बाग। मना कर दिया भाई उसने, मना कर दिया, हल्की सारी पिटाएंगे ना इसने। अबे यहाँ दो रिक्शे मान गए हैं, ये पता नहीं तो सबके सब चोर है साले। यार मम्मी बाहर आए हो, किसी का भी रेस्टोरेंट हो गया साले ने यार। चलो देखते हैं आगे कुछ होगा तो। आओ फिर, क्या कह रहा है यार? कह रहे रिक्शे वाले, कह रहे हम थक गए।
तो फिर 400 भाई वो भी मना कर रहा रिक्शा, वो भी नहीं करती, वो रजिस्टर लेके है बैठा हुआ। हाँ कह रहा है कि इनकी तबीयत खराब है, थक गए कहता है, बट यहाँ से रेट कम है 400 रुपए। तो बराबर तो पड़ गया, 100 रुपए में यहाँ तक तो आए हैं, कुछ जा ही नहीं रहा। देख लो A few moments later. तो भैया ऑलमोस्ट सारा दिन हमारा क्या कहूँगा खराब ही हो गया। पहले था प्लान लाल टिब्बे का, टैक्सी नहीं मिली, फिर सोचा चलो कंपनी मार्ग चलें, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। ओ भाई सही है, कैफे दिखाता हूँ। सही बैठे हो यार, वेज सारा। कोई बात नहीं, चलो वेज खा लेंगे यार। मैगी आ गई भाई, पास्ता आ गया, पिज्जा नहीं आया ना, पिज्जा भी किया ना ऑर्डर। उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे लबों हवाले, दूर दूर लोग बाग भी लो बड़ा ही सुहाना मौसम हो रहा है यहाँ पे, लंच काफी बढ़िया था, अच्छा एम्बियंस है, पॉजिटिविटी। मैं बढ़िया मौसम है यार, नॉर्मल बैकग्राउंड है। दिन खराब होते होते बच गया लग रहा है ना, कितनी बचा बच गया, थोड़ा दिन खराब होते होते खराब ही हो गया था एकदम, थोड़ा सा बच गया, ऐसे पकड़ लिया किसी ने लग रहा है। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा दिन सारा लग रहा था जैसे खराब हो गया पूरा, थोड़ा सा बच गया है। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया इस कैफ़े में, हमें काफ़ी अच्छा लगा। एक तो लोकेशन देखो बिल्कुल कोना है, एक हवा आ रही है नॉनस्टॉप, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, इतना अच्छी ठंडी हवा आ रही है, मज़ेदार, और खाना भी अच्छा ही था जैसा कि आपने देखा होगा। तो भाई मज़ा आ गया ओवरऑल, सबके फेस पर थोड़ा सा एक रिलैक्स का मूड होता है ना वो दिख रहा है कि हाँ यार चलो ठीक है, कि कहीं भी जा नहीं पाए हम जो हमारा प्लान था आज, कल थोड़ा जल्दी निकलेंगे ताकि अच्छे से दिन को कैश कर सके। जी बढ़िया हवा आ रही है, कमाल, वाह भाई वाह, वाह क्या हवा है, मज़ा ही आ गया। हाँ भाई हल्का हो के आ गया, चल रही थी फ्लश। हाँ सही था यार, हम सही से प्रेस नहीं कर रहे थे। चल आ जाओ,
हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो भूले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समां देखेंगे निगाहें। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। जब यार करे पर और फंस गई देखो ऊपर, बताइए 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 बताइए, एक ही बात है, फंसना फिरने की तो बात होती है। अब यहाँ क्यों चली दस्तों में जा।